अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रही हो वसुधा? सामान पैक कर रही। अब यहाँ नहीं रह सकते। अगर हम चले गए तो बच्चों का क्या होगा? संभालो अपने आप को। संभाल रही थी अब तक, ये समझ के ये मेरे बेटे का घर है, पर आज ऐसा हुआ, ये कभी मेरे बेटे का घर नहीं था, ये तो धर्मपुर के मालिक का घर है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम ठीक कह रही हो, हम ये घर में नहीं रह सकते। तो क्या हुआ, कभी हमारी बेटी सुभद्रा ने यह घर बसाया था? तो क्या हुआ, धर्मराज हमें सास ससुर न समझकर माता पिता की इज्जत दी। वसुधा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, पर जाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हितेन हमारा नातू है, पर धर्मराज का बेटा है वो। जितना दुख हमें इस बात का है कि धर्मराज ने उसको सलाह दी, उससे कई गुना ज्यादा दुख धर्मराज खुद महसूस कर रहा होगा। हम तो रो धोकर अपना दुख बांट लेते हैं, और उसको तो दुख बांटना भी नहीं आता। पर हमें क्या, हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैं भी सामान पैक करता हूं। धर्मराज ने तो इंसाफ कर दिया, अपना धर्म निभा लिया। हम तो धर्मपुर के मालिक नहीं है, हम तो सिर्फ इतिन के नाना नानी हैं। हम क्या करें? वही जो हमेशा करते आए हैं, सुख के पलों में साथ दिया, अब उसके दुख में भी हम उसका साथ देंगे। अब तो बड़े हैं, कुछ तो करिए, मेरे हितेन को बचाइए, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। हे तुलसी माँ, मेरे हितेन की रक्षा करना। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, है तो वो मेरा बेटा ही, उसकी रक्षा करना। बेनबा, 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 वो मालकिन स्टोर में। क्या कहा? क्या कहा तूने? मालकिन? नहीं, मेरा मतलब वो संतु, संतु रूम में नहीं है। गई होगी पिछवाड़े अपने गंदे कपड़े धोने। नहीं, वहां भी नहीं है। वहां भी नहीं है?
लेकिन किसी को बिना बताए गई कहाँ वो? संतु, अंदर आओ। क्या बात है, अचानक यहाँ क्यों आई हो? वो मैं हितेन भाई से मिलने के लिए। हितेन, तुमसे कोई मिलने आया है? किसलिए आई हूँ यहाँ? मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। आप यहाँ से भाग जाइए, मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ। भाग जाइए हितेन भाई, फिर आपको कोई भी सजा नहीं होगी। ये क्या कह रही हो? एक सेकंड मासी, मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। कुछ पेपर साइन कराने थे, जरूरी है वरना। ठीक है। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। वो हितेन भाई को सजा देकर आपने अच्छा किया। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था पापा, मैं कह रहा था मतलब मौत की सजा नहीं, पर ना बड़ा गुनाह किया है कि कोई ना कोई सजा तो देनी ही पड़ेगी ना। पापा को ये नहीं समझ रहा है कि आप धर्मराज हैं, आपके लिए न्याय सबसे पहले, रिश्ते नाते सब बाद। मैं जानता हूं पूरे गांव के सामने अपने ही बेटे को सजा देना पर क्या बीत रही होगी। पापा वैसे मैं हितेन भाई की जगह तो कभी ले नहीं सकता, लेकिन अगर मैं हितेन भाई की जगह होता तो मैं आपकी मजबूरी समझता। मुझे आपसे बात करनी है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।